उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो देवभूमि उत्तराखंड के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाते हैं। एक ऐसा राज्य जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ लोगों की देवी देवताओं में अपार श्रद्धा है। गाइस, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी पहाड़ के शिखर पे जाओ ना, तो वहां आपको एक छोटा सा मंदिर या भगवान की मूर्ति जरूर देखने को मिलेगी। यार, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा आप लोगों को उत्तराखंड से रूबरू कराना चाहता हूँ, घूमने के शौकीन लोगों को उत्तराखंड की खूबसूरती से रूबरू कराना चाहता हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने अभी तक जितने भी ट्रैक्स करे हैं, इतने पहाड़ों के टॉप पे मैं गया हूँ, हर जगह एक छोटा सा मंदिर या छोटी सी शिला में देवी देवताओं को हमेशा पाए। उत्तराखंड में देवी देवताओं की बहुत मान्यता है गाइस। तो आज का अपना ये सफर एक ऐसे ही मंदिर, एक ऐसी ही देवी के दरबार का रहने वाले हैं, जिन्हें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लोगों द्वारा अपार श्रद्धा का केंद्र माना जाते हैं। बल्कि पिथौरागढ़ ही नहीं, आसपास के जिलों में भी कई सारे भक्त और श्रद्धालु यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। एक ऐसी देवी जिन्हें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली देवी के रूप में जाना जाते हैं, हाटकालिका माँ का मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट क्षेत्र में लगभग 1700 मीटर के एल्टीट्यूड में है। गाइस, गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले के बड़े हिल स्टेशन में से एक है, जो पिथौरागढ़ जिले का एक विधानसभा क्षेत्र भी है। गंगोली हाट के हाटकालिका मंदिर में जाने से पहले आप लोगों को एक ऐसी गुफा के बारे में भी बताऊंगा, जो जमीन के अंदर लगभग 90 फीट गहरी है, जिस गुफा की कहानी देवों के देव महादेव से भी जुड़ी हुई है, पाताल भुवनेश्वर गुफा। तो गाइस गाइस और गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एक न्यू वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के इस सफर को और दिखाते हैं आप लोगों को पाताल भुवनेश्वर और हाटकालिका जी के मंदिर का ये सफर। तो भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत न्यू वीडियो में, और आज का जो सफर है वो रहने वाला है हाटकालिका मंदिर गंगोली हाट। आप लोगों ने यार गंगोली हाट के हाटकालिका मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा, अगर आप लोग कुमाऊं से बिलोंग करते हो तो पक्का आपको पता होगा। हाटकालिका काफ़ी फेमस मंदिर है कुमाऊं का और काफ़ी पावरफुल मंदिर माना जाता है इसको। तो आज भाई हम लोग हाटकालिका मंदिर जा रहे हैं, जो गंगोली हाट में पड़ते हैं। लगभग 3 घंटे का रास्ता होने वाला है थल से, और आज अपने साथ टीममेट्स कौन कौन है वो एक बार आपको दिखाते हैं। तो भाई ये हैं अपने टीममेट्स, देखिए हेलो कीजिए भाई। ये मौसम भैया जो ब्रह्मताल व्लॉग में थे, और ये हैं ललित लल्लू भैया, इनको आपने कई सारे व्लॉग्स में देखा होगा, जैसे ध्वज में देखा होगा और खलिया टॉप में था ना तू, खलिया टॉप में देखा होगा। और भाई अपने साथ है मोंटू चचा, और साथ में अपने दिप्पूदा, दिप्पूदा को आप लोग जानते होंगे यार। तो भाई हम 5 लोग जा रहे हैं, हाटकालिका जाने हैं हमने। तो अभी हम लोग लगभग उडियारी पहुंचे हुए हैं, उडियारी रस्ते में एक जगह आती है। भाई अभी जा रहे हैं यहाँ से हाटकालिका मंदिर को, गंगोली हाट। लगभग 2 घंटे का सफर हमको करना है, थल से लगभग 3 घंटे होता है यार। तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में सिनेमैटिक्स दिखाते हुए चलेंगे और रूट बताएंगे आपको, उसके बाद भाई वीडियो को शॉर्ट रखेंगे छोटा सा, आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइज इस तरीके से सफर का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। आज मौसम साफ था, तो इसीलिए हमको रास्ते में से हिमालय व्यू बहुत प्यारा दिखाई दे रहा था। और उत्तराखंड में आप लोग कहीं रोड ट्रेवल कर रहे हो और साफ मौसम में आप लोगों को हिमालय ना दिखाई दे, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। इस वीडियो के एंड में एक ऐसी जगह पे हम रुके जहाँ से नजारा वाकई बहुत बेहतरीन था यार। वहाँ पे से कुछ हिमालयन पीक्स की फोटोज मैंने ली हैं, जैसे नंदा देवी, सुनंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल, पंचाचुली, राजरंभा, और भी ऐसी कई सारी लोकेशंस थी गाइस जो उस जगह पे से दिखाई दे रही थी। तो गाइस अगर रूट की बात करूं तो अपना ये सफर थल से शुरू हुआ था। थल से हम लोग पहले बेरीनाग गए, बेरीनाग के बाद रायसागर होते हुए हम लोग गंगोली हाट पहुंचे। तो टोटल हमको थल से गंगोली हाट तक ये सफर तय करने में 3 घंटे का समय लगा। लेकिन गंगोली हाट से पहले हम लोगों ने पाताल भुवनेश्वर भी जाना था, तो पहले हम लोग पाताल भुवनेश्वर गए, उसके बाद हम लोग हाटकालिका मंदिर में गए। तो भाई ये देखो अभी हम लोग हैं पाताल भुवनेश्वर में। इस जगह का नाम पाताल भुवनेश्वर है यार, इस गांव का नाम भी पाताल भुवनेश्वर है, और यहाँ पे गेट बना हुआ है, शायद यहाँ से नीचे जाने। लेकिन यार सुने है कि भाई गुफा के अंदर वीडियोस नहीं बनाने देते, तो भाई देखते कितना हमको वीडियो बनाने देते हैं, दिखाएंगे आपको। यहाँ पे गाड़ी लगाई है और यहाँ पे आप मंदिर में कुछ सामान लेके जा सकते हो। यहाँ पे दादी पत्तियाँ का एक ही है, अच्छा बेलपत्री है नहीं, और नीचे तो नहीं बनाने देते होंगे ना वीडियो, अच्छा मतलब बाहर से बना सकते हैं ना। देखिए भाई KMVN बना हुआ है यहाँ पे गेस्ट हाउस, आप चाहो तो यहाँ पे रेस्ट करके जा सकते हो, यहाँ पे रुक सकते हो। दाजू क्या क्या है ये? मौसमी फल है हमारा, आंवला, माल्टा, देखो भाई यहाँ पे
काफी सारे जूस की वैरायटीज है यहाँ पे। आंवले का जूस है, संतरे है, बड़ा नींबू बुरास का भी है। देखिए भाई, बाहर से आपको बता देंगे गुफा के बारे में, क्योंकि भाई अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से वीडियो बनाएंगे गुफा के बाहर की, लेकिन अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते, शायद यही कुछ सीन है। तो भाई अभी कुछ चल के जा रहे हैं। पहले हमने सोचा भाई आपको पाताल भुवनेश्वर दिखा देते हैं, उसके बाद आपको आगे हट कालिका जी का मंदिर दिखाएंगे, और ये आगे गेट यहाँ पे दिखाते हैं एक बार। भाई देखो गेट से अंदर आए, कितनी सारी चुनरी लगी हुई है, माता की चुनरी देखिए भाई, और ऐसा सा कुछ रखते हैं भाई। देखिए यहाँ से गुफा का प्रवेश द्वार है, लेकिन अंदर वीडियोस और फोटोज लेना वर्जित है, यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है भाई। तो भाई हम अंदर कैमरा या फिर फ़ोन लेके नहीं जा सकते, तो हम यहीं पर अपना फ़ोन दे के जाएंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे भाई इस गुफा से। तो हम कौन कौन लोग जा रहे हैं भाई, मोंटू चचा यहीं वेट कर रहे हैं और अपने दिप्पू दाई यहीं वेट कर रहे हैं, तो हम तीन लोग जा रहे हैं, ललित भैया, मौसम और मैं भाई, तीन लोग हम अंदर जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस अंदर से बाहर आने के बाद आपको बताएंगे। हाट काली का पाताल भुवनेश्वर एक प्राकृतिक गुफा है गाइस, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट नगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये गुफा लगभग 90 फीट गहरी है और 150 मीटर में फैली हुई है। माना जाता है कि इस गुफा के अंदर साक्षात महादेव विराजमान रहा करते थे और बाकी देवी देवता उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पे आया करते थे। इस गुफा के अंदर जाने के लिए आपको जंजीरों का सहारा लेकर उतरना पड़ता है। तो गुफा के अंदर की वीडियोस तो नहीं बनाने दी गाइस, हम इस गुफा के अंदर का एक्सपीरियंस लेके अब निकल चुके थे हाट कालिका मंदिर की ओर। तो भाई पाताल भुवनेश्वर के अंदर जाने के बाद भाई अंदर का ऐसा सीन है ना, एक्सपीरियंस अगर अंदर का बताएं पहले, तो भाई दो तीन मोटी मोटी जंजीर लगी हुई है, उन जंजीर के सहारे आपको अंदर जाना पड़ेगा, और कहीं पे तो भाई पत्थर जो है ना काफ़ी स्लिपरी हैं, तो आपका पैर वैर फिसलने का डर है। इनका कहना था कि अगर आपको मंदिर के अंदर की यानी गुफा के अंदर की वीडियो बनानी है तो आपको देहरादून से परमिशन लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो अंदर। अभी यहाँ से भाई अपनी जो मेन डेस्टिनेशन रहने वाली है वो है हाट कालिका। ओवरऑल अगर कुमाऊं में देखा जाए, तो आप लोग अगर कुमाऊं से बिलोंग करते हो, जो लोग वीडियोस देख रहे हो, तो भाई आप लोगों को इस मंदिर के बारे में ज़रूर पता होगा हाट कालिका। तो चलते हैं वहाँ, उसके बाद आपको वहाँ से सीन दिखाते हैं भाई। हाँ सर, ये भाई देखो ये है हाट कालिका मंदिर का गेट, तो इस गेट से हमने अंदर जाने, और ये है भाई गंगोली हाट। देखिए भाई, तो भाई अभी प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको कैसा मंदिर है। देखिए भाई बहुत सारी घंटियां लगी हुई है, मैं शायद आज सेकंड टाइम आ रहा हूँ इस मंदिर में, इससे पहले आया था लेकिन उस टाइम की भाई मुझे याद नहीं है। भाई देखो भाई घंटियां ही घंटियां भाई, माँ हाट कालिका, वाह भाई वाह। ये है भाई विशालकाय हाट कालिका माँ का मंदिर प्रांगण है। गाइस गंगोली हाट का हाट कालिका का मंदिर पुराणों के अनुसार एक शक्तिपीठ माना गया है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर हजार साल से भी ज्यादा पुराना बताया गया है यार। हाट कालिका मंदिर में विराजमान महाकाली कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की आराध्य देवी मानी जाती है। माना जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट के जवान जब भी किसी टास्क पे या किसी मिशन पे जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर में उत्तराखंड के बाहर से भी बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु आते हैं। बहुत सारे लोग कुछ इच्छा लेकर इस मंदिर में आते हैं और कार्य सफल होने के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। यहाँ विराजमान महाकाली जी में लोगों की अपार श्रद्धा को मंदिर में आते ही साफ साफ देखा जा सकते हैं। इस मंदिर में कई सारी जगहों के लोगों ने आकर अनेक कार्य करवाए हैं यार, जैसे मंदिर में पानी से लेकर रहने की सभी चीजों की अच्छी फैसिलिटीज है यार। आसपास देवदार के पेड़ होने के कारण मंदिर प्रांगण काफी ठंडा और शांत रहते हैं। तो अपना कुछ टाइम हम लोगों ने हाट कालिका जी के इस मंदिर में बिताया और उसके बाद हम लोग हिमालय व्यू का आनंद लेते हुए अपने घरों को वापस लौटे। आजा आजा सबास खाले खाले। ये एक लूटा पैसले पड़म झार लई यो सामान अमन देख ले नहीं मनखिरानी बांधर था मनखिरो छा जाटो ते मनखिरो छाई
मन की रोचा जाटा ले ले मन की रोचा जाटा हाँ कुछ है क्या इस पे? हाँ दे दो, खाएगा सुपारी खाएगा। तो गाइस ये देखिए, ये है हाट कालिका माता का यानी कालिका माता का भव्य मंदिर जो पूरे कुमाऊं में बहुत फेमस है। और अंदर से मंदिर का व्यू कुछ ऐसे है। और अभी कौन मंदिर के अंदर, पुजारी जी कौन है? पुजारी जी एक बार आइए। ये देखिए पुजारी जी, यहीं के हो तुम? यहीं गंगोली हाट के। ये देखिए कुछ ऐसा मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर और बहुत शानदार मंदिर भाई। तो यार कभी आते हो तो इस मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर से करने चाहिए, क्योंकि पूरे कुमाऊं का एक बहुत फेमस और बहुत शक्तिशाली मंदिर इसको माना जाते हैं, हाट काली का मंदिर। देखिए भाई, भाई अगर इस मंदिर में दान की बात करूँ ना, तो भाई लोगों ने मंदिर में कुछ ना कुछ कार्य करवाया है। देखिए जैसे ये लगाया हुआ है, ये किसी और ने लगवाया है, ऐसे छोटी छोटी आपको बहुत सारे यहाँ पे डेकोरेशंस दिखेंगे जो यहाँ पे लोगों द्वारा बहुत सारे सालों में कराए गए हैं। और धीरे धीरे ये मंदिर डेवलप होते 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 देखे, अभी देखिए भाई इसकी कंडीशन कितनी शानदार है। पूरी टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे, पानी के रहने के लिए हर चीज़ की अच्छे अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, इजीली रुक सकते हो। तो भाई ये काफी पुराना मंदिर है, तो पुराना मंदिर होने के कारण भाई इसको बहुत अच्छा सजाया गया है। और ये अब जाके एक बहुत विशाल और एक बहुत शानदार मंदिर कहलाते हैं, हाट कालिका का मंदिर। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के एक शक्तिशाली मंदिर हाट कालिका माता जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग गंगोली हाट मार्केट में गए। गंगोली हाट मार्केट में एक दुकान पे जाके हम लोगों ने पेट पूजा करी और खाना खाने के बाद हम लोगों ने गंगोली हाट को अलविदा कहा और आगे बढ़े। मॉर्निंग के टाइम पे जब हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कुछ ऐसे शानदार प्लेसेस थे जहाँ से हिमालय व्यू बहुत शानदार था। तो जैसे ही रात हुई गाइज, उन जगह से मैंने कुछ फोटोज ली और उन फोटोज को अब मैं वीडियोस में ऐड करने जा रहा हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमको उस जगह से दिखाई दी थी। इस फ्रेम में आप लोग देख सकते हो नंदा देवी दिखाई दे रही है, सुनंदा देवी, दंगथल की पहाड़ी, नंदा कोट, फ्रंट में बेरीनाग दिखाई पड़ रहे और पीछे चौकोड़ी दिखाई पड़ रहे गाइज। और अगर अगली फोटो की बात करें तो अगली फोटो में पंचाचुली दिखाई दे रही थी, साथ में राजरंबा दिखाई दे रही थी। इस जगह पे से हिमालय श्रृंखला का नजारा बहुत अद्भुत था। तो अब हमारा वक्त हो चला था इस जगह को अलविदा कहकर यहाँ से अपने घरों को वापस लौटने का। दिन ढल चुका था तो हमने इस जगह को अलविदा कहा और अपने अपने घरों को वापस लौट गए। वाकई में यार गाइस, आज का जो सफर था ये बहुत अद्भुत था, क्योंकि लास्ट में जो हिमालय का नजारा हमको देखने को मिला उसने हमारा पूरा दिल खुश कर दिया था यार। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।